चरण डोला न पाय निरूपण तुझे तमे अलिंगन आनंद भवे ओ वाली नमे नमः। चला लवकर दर्शन घेऊन पुढे चला, टच नहीं कर, चलो बोला जय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बहुत सारे गणपति बापा जी का दर्शन करने वाले हैं, उनके मतलब जहाँ पे वो विराजमान है उनका डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कवर करने वाले इस वीडियो में। आज बहुत सारे गणपति बापा जी का दर्शन होने वाला है, तो पहले तो वीडियो आप लोग एकदम एंड तक देखो और वीडियो कैसे लगी भी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम यहाँ लालबाग के साइड, फिर वहाँ से हम खेतवाड़ी साइड जाएंगे और खेतवाड़ी में ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, खेतवाड़ी में पहले कभी गया नहीं खेतवाड़ी। तो खेतवाड़ी में भी बहुत सारे गणपति बापा जी का आगमन हो मतलब विराजमान हो चुका है, तो हम जाते हैं अभी और गणपति बापा जी का पहले दर्शन कर लेते हैं। तो भी नहीं रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हूँ क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में नाइट आउट कर रहा हूँ मतलब गणपति बापा जी के दर्शन के लिए। तो चलो अभी जाते गाइस। दोस्तों अभी मैं हूँ माटुंगा में और अभी जो गणपति हम देखने जा रहे हैं वो ग्रुप का नाम है माटुंगा विघ्नहर्ता मंडल, तो उनका ऐसा एंट्रेंस है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं पप्पा का दर्शन लेने के लिए अंदर। चलिए ये इनका डेकोरेशन है, यहाँ पे सब मंदिर का बैनर लगा है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा है, देखो जो मंदिर है वो मंदिर का नीचे नाम लिखा है, त्रिंबकेश्वर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर का नाम लिखा है, रामेश्वरम हो गया, केदारनाथ हो गया, मल्लिकार्जुना, ऐसे सब भगवान जी का मंदिर है और मंदिर के नीचे वो मंदिर का नाम है। तो दोस्तों अभी ये गणपति बापा जी का दर्शन हो गया, अभी हम जाते हैं दूसरे गणपति बापा जी का। तो चलो, तो दोस्तों अभी हम सेकेंड जो मूर्ति का दर्शन करने आए हैं वो है माटुंगा मतलब फूल बाजार जो मार्केट है, वो मार्केट में गणपति बापा का विराजमान हुआ है और यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो पूरा फूल का डेकोरेशन है। तो चलो अभी जाते हैं और आप लोगों को बताता हूँ मैं यहाँ पे का डेकोरेशन और गणपति बापा जी का मूर्ति। दोस्तों वीडियो जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो वीडियो आप लोग एंड तक देखना और मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे गणपति बापा जी आज कवर होने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आप लोग एंड तक देखना गाइस। दोस्तों अभी हम जो गणपति बापा देखने आए वो है बंदरगढ़ रोड सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। तो अभी ये गणपति जो है इसका स्पेशलिटी है कि ये पूरा ऑलमोस्ट सब चांदी से कवर हुआ है, मतलब चांदी का जो है पूरा टूल ट्रंक हाथ सब चांदी का है। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखना है गणपति कितना सुंदर दिखता है, पूरा चांदी से सजा हुआ गणपति है। और गणपति के सामने यहाँ पे अभी रात के 1 बजे और यहाँ पे भंडारा चल रहा है, वड़ा दे रहे हैं यहाँ पे वड़ा, और देखो यहाँ पे अभी गणपति है, आप लोगों को बताता हूँ चल अंदर। अभी हम जो गणपति का दर्शन लेने जा रहे हैं वो है प्रगति सेवा मंडल जो कि माटुंगा में है, और ये साल का गणपति भी बहुत सुंदर है उनका, तो आप लोगों को बता दूं चलो अभी अंदर। Thank you.
तो अभी हम जो गणपति का ऊपर दर्शन लेना है वो है परेड़चा महाराजा। और ये साल जो गणपति था ये भी बहुत लेट निकला था आगमन के टाइम पे, तो वो टाइम पे हमने कवर नहीं किया था गणपति का आगमन। तो अभी दर्शन लेने जाते हैं और मूर्ति देखते हैं कैसा है। बहुत सुंदर मूर्ति है, हमने पिक तो देखा है बट लाइव देखना वो एक अलग खुशी होता है। तो चलो अभी जाते दर्शन लेने। खेतवाड़ी साइड और वहाँ पे देखते हैं अभी कौन से बप्पा जी ने दर्शन करने मिलता है। तो अभी हम मतलब खेतवाड़ी साइड के जाने के लिए रोड पे है और अभी हम लोग ने ये बाइकला जू का जो हाईवे है ब्रिज वो क्रॉस किया है जस्ट। तो वहाँ पे पहुँच के देखते हैं अभी कौन से बप्पा जी का दर्शन करने मिलता है। चलो तो अभी हम लोग आए यहाँ पे गणपति देखने और ये जो गणपति है मुंबई का आनंद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और यहाँ पे बारिश चालू हो गया खेतवाड़ी में बहुत जोर से। तो चलो अंदर जाते हैं। हम जो गणपति बप्पा जी का दर्शन लेने जा रहे हैं वो है मुंबई का महाराजा और अभी हम लोग ने पास लिया है 50 रुपीज़ का एक पास है और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और पास दे दो। तो अभी मुंबई का महाराजा का दर्शन लेने जा रहे हैं। तो चलो अभी पहुंचने वाले बस सामने ही अभी हम देखो। आगे 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 अच्छा फोटो समझ ली। चलिए चलिए आगे आते रहिए थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे चलो।
दोस्तों अभी हमने जो मूर्ति देखा वो खेतवाड़ी का महाराजा था, जो 47 फीट का था और अंदर जो पूरा डेकोरेशन था वो 10 अवतार का डेकोरेशन था। बहुत सुंदर मूर्ति था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा खेतवाड़ी का महाराजा इतना बड़ा मूर्ति, क्योंकि बहुत सुंदर था, बहुत सामने से तो बहुत सुंदर था गाइस। तो अभी देखते हैं दूसरा कौन सा मूर्ति देखने मिलता है। चलो तो अभी हम जो गणपति बप्पा जी का दर्शन लेने जा रहे हैं वो है बप्पा खेतवाड़ी का धावी गली। बट दोस्तों यहाँ पे सब आप लोगों को पास लेके ही जाना पड़ेगा, विदाउट पास यहाँ पे बहुत लंबा लाइन है प्लस और बहुत लेट छोड़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन करना है तो 50 रुपीज़ का पास लेना पड़ेगा पर गणपति, हर गणपति के यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का पास है, वो पास लेकर ही आपको जल्दी दर्शन मिलेगा। विदाउट पास आप लोगों को दर्शन के लिए आपको फुल 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा। कितने जने? 2 जने। बोल। तो चलो अभी पास दे दिया, अभी जाते हैं गणपति बप्पा जी का दर्शन करने, फिर यहाँ से देखते हैं दूसरा कौन सा गणपति बप्पा जी का दर्शन करने मिलता है। चलो टाइम आ गया अंदर जाने का, चलो चलो चलो। अरे अरे बाप रे, कहाँ से देखेगा। वहां से कुंभ उत्तरण का सर उसके घर से अलग कर दिया। इस तरह प्रभु श्री राम जी के हाथों कुंभ उत्तरण का वध हो गया। तो आओ गणपति और हमारे देश को सशक्त और बलशाली बनाए। जय हिंद। महा गणपति देखने के लिए और अभी यहाँ पे हमें एंट्री मिल चुका है, चलो अभी एंट्रेंस करते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ डेकोरेशन है, देखो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी डेकोरेशन है इन लोग का। तो दोस्तों अभी खेतवाड़ी चल राजा का दर्शन लेने जा रहे हैं हम, यहाँ पे 30 रुपीज का पास था, थोड़ा अभी जाके देखते हैं मूर्ति कैसा है। चलो चलो अभी अपना बारी आ गया है जाने का, खेतवाड़ी चल राजा का लुक देखना है, दर्शन लेना है। ले चल ले किती फुटाचा आहे, किती फुटाचा आहे, किती फुटाचा आहे सांग ना। ले चल चला पुढे चला, चला लवकर दर्शन घेऊन पुढे चला। तो अभी हम जा रहे हैं खेतवाड़ीचा लंबोदर, खेतवाड़ीचा लंबोदर का गणपति देख रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप वाला है ये साल का। तो चलो अभी जाते हैं पड़ा खेतवाड़ीचा लंबोदर
ये गणपति मैंने आगमन के टाइम पे भी नहीं देखा था, तो अभी चलो जाते हैं फटाफट, चलो और देखते हैं गणपति अप्पा जी का लूप। पार्वती की रक्षा हेतु अंधकासुर का वध करने साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को कहा, हे माते तू चिंता ना कर। फिर श्री गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया, जिसे पुराणों में श्री विनायकी देवी के रूप में जाना जाता है। श्री विनायकी ने अंधक को बांधकर अपनी सूंड से अंधक के शरीर का सारा खून एक साथ खींच लिया और खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से बचाया। इस तरह श्री विनायकी के हाथों अंधक राक्षस का अंत हो गया। अभी जो हमने गणपति देखा वो खेतवाड़ी का शुरू करता था, विनायक के रूप में था, बहुत सुंदर स्टोरी था और गणपति पप्पा तो बहुत सुंदर थे। तो दोस्तों अभी हमने जो गणपति बप्पा का जो दर्शन लिया वो है खेतवाड़ी का गजमोह, और इसका स्पेशलिटी ये है कि इनका जो गणपति बप्पा का जो मूर्ति है वो मूर्ति पूरा कागज से बना हो, मूर्ति पूरा कागज से बना हो और दिखने में बप्पा बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत अच्छा लगा कागज का मूर्ति देख के, मतलब मोस्टली कागज का मूर्ति बहुत कम देखने को मिलता है, बट तो अभी चलो अभी हम जाते हैं ऑफिस परेल साइड खेतवाड़ी में, आके हमने ऑलमोस्ट सब गणपति देख लिया और बाकी सब गणपति देखने के लिए अभी बहुत टाइम हो जाएगा फिर हमें, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी आ चुके हैं वहाँ पे परेल में, तो हमें वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके फिर बाकी के जो गणपति थे वो सब कवर करेंगे। तो मिलता है अभी आपको परेल में गाइस, ठीक है। तो दोस्तों ये है खेतवाड़ी का विघ्नहर्ता जो कि बहुत सुंदर मूर्ति है, और ये बैठते हैं परेलचा महाराजा के बाजू वाले लेन में। बहुत सुंदर मूर्ति है खेतवाड़ी का विघ्नहर्ता। Thank you.
खास याद आ गया ना। तो दोस्तों अभी हम लोग आए मुंबई चल राजा का दर्शन लेने के लिए, तो अभी हम लोग ने पास लिया है 20-20 रुपीज का, तो अभी जाते हैं पापा का दर्शन लेते हैं और पापा का लुक देखते हैं। आने वाले चिंचपोकली और चिंतामणि का मूर्ति का दर्शन लेने के लिए, तो चलो चलते हैं अभी। ये भाई दर्शन आले। अरे सीधो
नहीं, वो सब